टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये सब ऑब्लिक में कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे। पहले मार्क करेंगे ओरिजिन ओ। अभी ओ के राइट साइड पे 40 दिया है, सो राइट साइड पे 40 आएगा। हमेशा याद रखें जो फ्रंट व्यू रहेगा वो स्ट्रेट बनेगा। और हाइट कितना है? 20 + 30 + 20 = 70। तो हाइट 70 लेंगे। उसके बाद रिसीडिंग एंगल 45 डिग्री लेंगे। ये देखो विड्थ बनानी ना हमें, तो ओ से 45 डिग्री लेंगे। ये रिसीडिंग एंगल हम लोग 30 डिग्री भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्या पूछा है। जनरली 45 लेते हैं। तो इस पे 40 मार्क करेंगे और बॉक्स कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ एल शेप है, तो पहले हम वो बनाएंगे एल शेप। तो यहाँ से कितना है? 10। इसको नीचे लेके जाएंगे, 50 नीचे आएंगे, बिकॉज 70 - 20 50 मिलेगा। नहीं तो नीचे से 20 भी ले सकते हैं। यहाँ से 20 लिया, यहाँ से ऐसा एल शेप बन गया। उसके बाद यहाँ से इसको कितना लेंगे? 40 40 40। इसको जोड़ दिया यहाँ से और यहाँ से इधर। उसके बाद ये रेडियस कितना है? रेडियस 20। तो इसका मिड पॉइंट लेके यहां से कितना नीचे जाएंगे? 20 नीचे जाएंगे। तो 20 कंपास में लेके कट करेंगे और यहां से रेडियस 20। उसके बाद ये डायमीटर 20 दिया है, सो सेम सेंटर से हम रेडियस 10 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे है रेडियस 10, सो इसका मिड पॉइंट लेके वापस रेडियस 10 बनाएंगे। तो इस प्रकार से करीब करीब हमारा फ्रंट व्यू हो गया है। सिर्फ नीचे का वो पार्ट बनाना बाकी है, ये वाला। 10-10 लेंगे, 10-10 दोनों साइड, और हाइट लेंगे 5। उसके बाद इसको डार्क कर दो। ये लाइन को भी डार्क कर देंगे। ये लाइन भी डार्क हो जाएगी। और ये भी डार्क। अभी पीछे जाना है। कितना पीछे जाना है? 20। तो ये लाइन को पीछे लेके जाएंगे 20 20 से। यहां पे कट करेंगे 20, यहां पे भी कट करेंगे 20। ये भी जाएगा। ये सेंटर पॉइंट को 20 पीछे लेके जाएंगे और वहां से सेमी सर्कल बनाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये रिया रेडियस 20 पीछे रखा और कर्व बना दिया।
उसके बाद ये जो सेंटर है उसको पीछे लेके जाएंगे, कितना 10। ये रेडियस लिया हम लोग ने, पीछे गए और रेडियस 10 बना दिया। ये रेडियस लिया, पीछे गए और ये बना दिया रेडियस 10। तो इस प्रकार से हमारा ये सम, और यहाँ पे टेंजेंट बनाना है, तो इस प्रकार से हमारा ये सम हो गया। इसको डार्क कर दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।